और खबर तुर्की से है, जहां तुर्की में सोमवार तड़के एक के बाद एक भूकंप के दो शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। इसके बाद तुर्की सरकार ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप प्रभावित इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वे USGS के अनुसार 7.8 तीव्रता का पहला झटका सीरियाई सीमा के करीब, आपको बता दें, महसूस किया गया। USGS ने कहा कि यहां जानोमाल के नुकसान की आशंका है। तुर्की के स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अब तक भूकंप के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। उस्मानिय शहर के गवर्नर ने 5 लोगों की पुष्टि की है और करीब सनली उर्फा में 12 लोगों की मौत की खबर है।